नाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, जिन बहुत से वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, उनमें से चंद होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इनका शॉर्ट वर्डिंग, जो कोड वर्डिंग है, वो रिडॉक्स रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की बात करें तो सिंपली हम इसमें ये देखते हैं कि एक एटम जो होता है वह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है और दूसरे एटम में ऐड कर देता है। यानी कि अगर हम ये बात करें कि आपके पास दो एटम हैं, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और दूसरे में ऐड हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि वो एटम जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है, उसका मतलब ये है कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यानी कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ये होता है कि एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है। दूसरी तरफ रिडक्शन, रिडक्शन में ये होता है कि एक एटम जब अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता है, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। यानी ये केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में। इसकी सिंपली बात ये ले लें कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स इज़ द मेन एनर्जी सोर्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सोर्स है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बहुत से एनर्जी को हासिल किया जा सकता है। अब इसके भी खास यानी कि तरीके होते हैं। लाइक अगर हम बात करें ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन की सिंपल सी एग्जांपल। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन एटम में मौजूद हैं तो वो टाइटली बाउंडेड हैं, यानी कि वो स्टेबल हैं। तो इस दौरान उन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेना बहुत मुश्किल हो सकता है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स नहीं होंगे जब वो ऑक्सीजन के अंदर, ये एक एटम के अंदर टाइटली बाउंड होंगे। जब हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे और उनको हम ऐड कर दें इस कार्बन या हाइड्रोजन में, तो फिर होगा क्या कि कार्बन और हाइड्रोजन में जब हम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इन दोनों में ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्सीजन से निकले होंगे वो इन दोनों में आकर अनस्टेबल हो जाएंगे। यानी कि अब अनस्टेबल होने की वजह से वो स्टेबिलिटी को, यानी कि स्टेबिलिटी को तलाश करेंगे कि कहाँ पर जाकर हमने स्टेबल होना है। तो स्टेबल वो वहाँ पर ही जाकर होंगे जहाँ पर ऑक्सीजन का एटम अवेलेबल होगा। अब करेंगे क्या, जब कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आकर ऐड हो जाएंगे तो फौरन स्टेबल होने की तरफ जाएंगे, यानी कि वापस ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे स्टेबल होने के लिए। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी यूज होती है एज ए एटीपी, एटीपी के तौर पर, और इसका बहुत इस्तेमाल होता है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो ये एक एटम है ए, इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। जब इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि इसका मतलब है कि इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। दूसरी तरफ ये दूसरा एटम है बी, अब इसका मतलब ये है कि इसने अपने अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। तो जब इसने अपने अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो इसका मतलब है ये रिड्यूस हो गया, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन जो है ये एडिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अगर हम प्लांट्स वगैरह की बात करें तो प्लांट्स में भी सेम इसी तरह का प्रोसेस होता है। अब प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। लाइक अगर हम बैक्टीरिया की बात करें और उनमें भी कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के जरिए अपनी फूड को हासिल करते हैं। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में तो ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस का ही मैकेनिज्म होता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं और हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ओके, थैंक्स।